बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। स्वामी ने कहा है कि मस्जिद धार्मिक स्थल नहीं होते हुए सिर्फ इमारत है, इसलिए उसे कभी भी तोड़ा जा सकता है। उनके इस बयान के बाद गुवाहाटी में उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। स्वामी ने कहा है कि मस्जिद धार्मिक स्थल नहीं होती बल्कि यह एक सामान्य इमारत होती है जिसे कभी भी तोड़ा जा सकता है। स्वामी के इस बयान का असम में जबरदस्त विरोध हुआ है और उनके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। उसने कहा कि मुस्लिम को जिस देश में भी गया उस देश को 100% मुसलमान बनाना और किया गया। वहां ज़ोरास्ट्रियंस थे, देश की कब्जा की 15 साल में 100% बगल में मेसोपोटामिया, बेबीलोन जिसका नया नाम है इराक, 17 साल में 100% इजिप्ट में गए मुसलमान ने कब्जा की और 21 साल में 100% लेकिन इंडिया में 800 साल मुसलमान का राज और 200 साल क्रिश्चियन का राज और फिर भी आप 80% ये कैसा है? ये कौन कहते हैं कि राम मंदिर को और बाबरी मस्जिद को बराबर मानना चाहिए? बाबरी मस्जिद तो बिल्डिंग है, इसको तोड़ा जा सकता है, हम नहीं तोड़ेंगे, हम कहेंगे कुछ नहीं है। लेकिन मुसलमान की पैसे के लिए हम सदियों नदी के पार जमीन देकर उनके लिए पैसा देकर उनके लिए मस्जिद बनाने के लिए तैयार है। लोग कहते हैं कि वो भी धार्मिक स्थल है, इसे दोनों को साथ ही साथ बना के भाग रही है यूनिटी के लिए उसे सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया में मस्जिद तोड़ते रहते सड़क बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाने के लिए, मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए बिल्डिंग और उसे तोड़ा जा सकता है। पाकिस्तान में तोड़ते, कतार में तोड़ते, यमन में तोड़ते, अल्जीरिया में तोड़ते, हिंदुस्तान में भी तोड़ते। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।